पाव भाजी। तो उसके लिए सबसे पहले हमने ग्रीन वेजिटेबल ले लेनी है। इसमें मैंने लिया है मटर, आलू और गोभी का फूल, 4-5 आलू डाले हैं, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच हल्दी और इसमें मैंने 2 गिलास पानी डाला है और 5-6 विसल कुकर में दिलवा लेनी है। उसके बाद हमने इसका मसाला तैयार करना है कढ़ाई में। उसके लिए 2-3 बड़े प्याज काट लेने हैं और साथ में हमने शिमला मिर्ची और टमाटर भी काट लेने हैं। 1 या 2 शिमला मिर्ची लेनी है, पाव भाजी मसाला लेना है और लेंगे तेल और हम साथ में बनाएंगे इसके लहसुन और सूखी लाल मिर्च की चटनी। उसके लिए हमने सूखी लाल मिर्च को भिगोकर रख देना है और 1 लहसुन की बड़ी गंडी पूरी छील के रख लेनी है। तो चलिए तब तक, जब तक हम प्याज भूनते हैं तब तक हम चटनी को बीट कर लेते हैं मिक्सी के जार में। थोड़ा सा नमक, सूखी लाल मिर्ची और भिगोई हुई और लहसुन डालकर हम इसको बिल्कुल बारीक बीट कर लेंगे। प्याज हमारा भुन रहा है, इसको बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना, हल्का ब्राउन ही करना है और उसके बाद हमने इसमें डाल देनी है नमक, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच देगी लाल मिर्च और एक ये सब डाल के हमने अब इसमें शिमला मिर्ची और टमाटर भी डाल देना है और 5 मिनट और अच्छी तरह भूनना है। आधी कड़छी पानी डालेंगे इसमें और इसको 5 मिनट और अच्छी तरह भूनेंगे। अब हम इसमें जो लाल सूखी मिर्च की हमने चटनी बनाई है वो 4 चम्मच अब इसमें हम डाल देंगे, ये वाली। आपको ध्यान ये रखना है कि इसमें आपने देगी मिर्ची यूज़ करनी है, नहीं तो आपकी पाव भाजी बहुत तीखी हो जाएगी, उससे कलर एकदम लाल आता है। देखिए मसाले का कलर एकदम लाल आ गया है। अब हम इसमें जो कुकर में हमने खोल के सब्जियां मैश कर ली थी मैशर से वो भी डाल देंगे और 4 चम्मच हम इसमें डाला है पाव भाजी मसाला। सारी सब्जियां डाल के हम 10 मिनट इसको अच्छे से और पकाएंगे हिलाते हुए, थोड़ा सा पानी भी डालेंगे। अच्छी तरह सब्जियां मिक्स हो जानी चाहिए मसाले में। गाइज इसका टेस्ट एकदम आपको ठेले वाली पाव भाजी स्ट्रीट फूड की तरह ही आएगा, क्योंकि इसमें हमने लहसुन और जो सूखी लाल मिर्च की चटनी डाली है उससे ये टेस्ट आता है। 1 चम्मच हम सूखी मेथी डाल देंगे, अगर आप सर्दियों का सीजन है तो धनिया अच्छे से डालें, धनिया से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। 1 बड़ा चम्मच मक्खन डालें। चलिए तवे पर हम 1 चम्मच मक्खन डालेंगे और 2 चम्मच ये चटनी डालेंगे, उसके बाद हम पाव को सेक लेंगे और आपकी पाव भाजी एकदम तैयार है। चलिए गाइस टेस्ट करिए और बताइए कैसी लगी आपको रेसिपी, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।